अस्सलाम वालेकुम, मेड इन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उमर। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू है वो है टायर सीट्स ऑटमन स्टूल, कुछ भी नहीं कही। देखिए, मैं एक स्टूल के ऊपर बैठा हूं, ये टायर में है, ये देखिए, आप चेक करें कंफर्ट, कम्फर्टेबल लेवल और ड्यूरेबिलिटी। किसी भी तरीके से आप इसे यूज करें, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रहें। जंप मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर, बड़ी मजे की अमेजिंग चीज है। प्यार से यूज करें, बाहर से यूज करें, इसे कुछ नहीं होने वाला। चेक कर लें, डबल टायर में बना हुआ है। सबसे पहले हम इसको एक पीस उठाते हैं, ये बहुत ही हैवी है यार। हाँ, इसका एक तो वेट बहुत ज्यादा है। ये देखें, इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो इसकी फोर वुडन लेग्स हैं, दो इसको टायर लगे हैं डिफरेंट, जिनको अटैच किया हुआ है बोल्ट्स की मदद से, ठीक है। ऊपर नायलॉन की इसकी वीविंग है, ठीक है, सिंगल कलर की इसकी वीविंग हुई हुई है। आप चेक कर सकते हैं, नायलॉन येलो है, नायलॉन में 3 mm इसको यूज की गई है। रोप कौन सी नायलॉन की है, ये रोप इसलिए यूज की जाती है नायलॉन की क्योंकि ये ढीली नहीं होती, दूसरी जो सी रोप्स होती है वो ढीली हो जाती है। इसको अंदर से ना पंच किया हुआ है, नजर तो नहीं आएगा। आप अगर परचेज करते हैं तो आप हाथ लगा के फील कर सकते हैं, अंदर से इसको पंच किया हुआ है स्टील से कि ये खुल ना सके। अच्छा, दूसरी बात, इसके जो कोई टायर जिसके अंदर प्ले बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको फिर कवर करने के लिए अंदर वुड की स्पोर्ट्स दी होती हैं। इसके अंदर दी हुई हैं वुड की स्पोर्ट्स, ठीक है। एक सिंगल जो ये वाला पीस है इसके अंदर दी हुई, इसके अंदर दी गई क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी, अगर ऊपर वाले पीस को देते हैं तो वो अच्छे हैं, वो जितना बैठते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, इसकी मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ मजे की, मेरा वेट आई थिंक 70 प्लस माइनस है। इसके ऊपर मैंने 100 प्लस माइनस वेट करी, एक भाई है उन्हें बिठाया, कोई इशू नहीं हुआ। उनका आई थिंक वेट है 130 to 140 में, वो भी मैंने बिठाया। अच्छा, इसकी भी जो स्पेसिफिकेशन है यही है, इसके अंदर सिर्फ एक फर्क है, इसमें आप देख रहे हैं दो मल्टी कलर स्ट्रिप्स हैं, थोड़ी सी बड़ी, इसके अंदर सिंगल कलर की इसके अंदर लाइनिंग दी गई है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 6 लाइनिंग हैं, वही 4 इसके भी लेग्स हैं, वुडन सेम है, कोई इतना फर्क नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको परचेज करने हो यू फर्नीचर दराज से कर सकते हैं, यू फर्नीचर फेसबुक पेज से कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा मिस डिकोर के नाम से पेज है, वहाँ से आप कर सकते हैं परचेज, और व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आर्टिकल्स आप देखना चाहते हैं, देखते रहें मेड इन पाकिस्तान। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।